तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में, मैं आपके साथ तैसीफ फातिमा। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिली, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल अवैध शराब की फोन पर दी गई सूचना आबकारी विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर आपको बता दें कि 1800180533 पर दे जानकारी। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है 9454446019 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। तो टोल फ्री नंबर यहां पर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर पर अवैध शराब की आप सूचना दे सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी पहल। जहां पर भी अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है या फिर तस्करी की जा रही है या फिर कोई इसकी शह दे रहा है, इसको शह दे रहा है, तो उस पर तुरंत फोन करके आप जानकारी दे सकते हैं पुलिस प्रशासन को। इस बीच बुलंदशहर से भी खबर मिली है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग शुरू। केंद्रीय विद्यालय में दी गई पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग। तो वहीं 3 पालियों में यहां पर मास्टर ट्रेनर दे रहे हैं चुनाव परीक्षण। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। 29 अप्रैल को जिले में होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। अब इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है केंद्रीय विद्यालय में पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग। 3 पालियों में मास्टर ट्रेनर दे रहे हैं चुनावी प्रशिक्षण। 29 अप्रैल को जिले में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसके मद्देनजर अब फिलहाल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सचिन शर्मा इस खबर पर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। सचिन, क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं अगर बुलंदशहर जनपद की बात करें तो बुलंदशहर में भी आने वाली 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए यहाँ के केंद्रीय विद्यालय में आज से पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो चुका है। 3 पालियों में ये प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू किया गया है, जिसका जिला प्रशासन की तरफ से डीएम साहब और एडीएम साहब पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। इसी के साथ बात करें अगर 19 की भी, तो उसके लिए भी यहाँ पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कही जाए या मास्क के प्रयोग की बात की जाए, सभी चीजों का एहतियात रखते हुए, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो इस बात का भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ प्रशिक्षण का कार्य देखा जा रहा है। क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कब तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये देखिए, आज से ये प्रशिक्षण का काम शुरू हुआ है और आने वाले 4 से 5 रोज तक ये प्रशिक्षण कार्य जारी रहेगा। और इसी के साथ जो मास्टर ट्रेनर हैं, ये चुनावी पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देंगे किस तरह से ईवीएम का यूज करना है, आगे किस तरह से चुनाव को संपन्न कराना है, सभी चीजों को यहाँ चुनाव पोलिंग पार्टियों को जो है बताया जा रहा है। अगर चुनाव की बात किया जाए तो जिला प्रशासन की आप तैयारियां कैसे देख पा रहे हैं? ये देखिए, आपको बता दूं, आने वाली 29 अप्रैल को यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन एक एक बूथ पर जाकर, जो भी संवेदनशील बूथ हैं, हर बूथ पर जाकर के चुनावी की तैयारियां एकदम देख रहा है, क्या कमी है उनको दुरुस्त की जा रही है। और प्रशासन की भी पूरी ये मंशा है, प्रशासन के आदेश के अनुसार सकुशल चुनाव सम्पन्न कराएगा। ये ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है सचिन? देखिए, बुलंदशहर के नगर क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में ये आज से चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो कि आने वाले 4 से 5 रोज तक 3 पालियों में कराया जाएगा। और ऐसे में क्या एक ही जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है? जी नहीं, देखिए, ये पूरे जनपद की ट्रेनिंग एक बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है, उसी में हर बार की तरह इस बार भी संपन्न कराई जा रही है। तो क्या लग रहा है, किस तरीके की अब तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है और ऐसे में तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या समय रहते सभी तैयार हो जाएंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन प्रतिदिन इस चुनावों के मद्देनजर एक मीटिंग लेता है, जिसमें सभी अधिकारियों को बताया जाता है कि चुनाव को किस तरह से संपन्न कराना है। वहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी अपने अपने खेमे में एकदम रेडी है। चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगरा से भी खबर मिली, उसका भी रुख कर लेते हैं। शिकायत को लेकर बीजेपी समर्थकों और पुलिस में झड़प, चौकी इंचार्ज और बीजेपी समर्थकों को बीच हुई जमकर नोकझोंक। तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौकी का घेराव किया है। पूर्व विधायक के नेतृत्व में चौकी कुर्रा चुतरपुर का ये घेराव किया गया है। मौके पर सीओ पहुंचे हुए हैं और ऐसे में पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है। चौकी इंचार्ज पर गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का यहां पर नारा भी लगाया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। थाना इरादत नगर क्षेत्र के चौकी का ये पूरा मामला है। चौकी इंचार्ज और बीजेपी समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई है। नोकझोंक की वो तस्वीर आपके सामने, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर हंगामा किया गया। अभद्रता का आरोप लगा रहे हैं, गाली गलौज और अभद्रता का चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। थाना इरादत नगर क्षेत्र के चौकी का ये मामला है। योगेंद्र सिंह संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या है पूरा मामला? पूर्व विधायक फतेहाबाद राजेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं की कोई शिकायत लेकर थाना इरादत नगर क्षेत्र की चौकी लगती है, जिस पर जिसमें दरोगा ने कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता को गाली गलौज और मारपीट कर दी। जिसमें गुस्सा एक कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच के चौकी का घेराव किया और दरोगा से हाथापाई और मारपीट हो गई, जिसमें थाने का घेराव किया। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जिन्होंने नारेबाजी की और दरोगा के साथ मारपीट और घेराव किया है। जोगेंद्र, अभी की स्थिति क्या बताई जा रही है? अभी की स्थिति, वहाँ आला अधिकारी महापुरुष पहुंच गया है मौके पे और आगे की कार्रवाई चल रही है। जहाँ जो पूर्व विधायक हैं उनको समझाने का कार्य किया जा रहा है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता किसी हद तक मानने को तैयार नहीं है। कितनी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच कर विरोध कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं? जी, पुलिस प्रशासन का घेराव भी किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, उनके कार्यकर्ता जो मारपीट हुई है उसका विरोध कर रहे हैं और मौके पर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोगेंद्र। जोगेंद्र संवाददाता इस खबर पर जुड़े थे, वो तमाम जानकारी दे रहे थे। चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। तो शामली में एक अजब गजब की लापरवाही सामने आई। लापरवाही ऐसी है कि जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। यहां तीन बुजुर्ग महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन उन्हें कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबिस वैक्सीन लगा दी गई। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के अभियान को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को कोरोना और एंटी रेबीज के वैक्सीन में अंतर समझ में नहीं आता, तभी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाने आई तीन महिलाओं को एंटी रेबिस का टीका लगा दिया गया। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई जरूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काट? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। पीड़ितों के मुताबिक वो गुरुवार को सीएससी कांधला में कोरोना की वैक्सीन लगवाने गई थी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बाजार से 10-10 रुपए वाली सिरिंज मंगवा लिया, तीनों को वैक्सीन लगा दी और घर भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद सरोज को चक्कर आने और घबराहट की शिकायत होने लगी। परिजन उन्हें लेकर एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचे,
जहां डॉक्टर को ओपीडी की पर्ची दिखाई, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और बताया कि उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद परिजनों ने सीएससी पहुंचकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके होकर 10 रुपए दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगर ले भाई और बल्ले के फट कुछ नहीं पूछा। और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर, इंजेक्शन किसका लगाया? मैं कुत्ते का, बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और मेरी तबीयत जब। हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवान, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया, मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। वैसे हमारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने जो पूछा भाई टिक्के लग रहे थे यहाँ पे, क्या? हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। जी हम पर्ची ला के बनवा ला, जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। इस लापरवाही का खुलासा होने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग लीपा पोती में जुट गया। जब डीएम से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसीएमओ और एसडीएम कैराना को मामले की जांच सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है पीड़ित पक्ष है उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में, और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी लापरवाही लोगों के मन में संदेह पैदा कर देगी। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन होना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही देखने को ना मिले। News1 इंडिया के लिए शामली से अमित मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। सीधा रुख करते हैं खबरों का, सिद्धार्थनगर से खबर मिल रही है। एक्शन में एसडीएम जावा उत्कर्ष श्रीवास्तव, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ का निरीक्षण किया एसडीएम में, तो वहीं यहां पर पहुंचे हैं एसडीएम इटुआ के साथ त्रिलोकपुर की पुलिस टीम मौजूद है। नथर देवरिया बूथ का एसडीएम ने निरीक्षण किया है, मौके पर यहां पर महत्व दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए उपजिलाधिकारी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। अहम खबर सिद्धार्थनगर से, एक्शन में एसडीएम इटवा उत्कर्ष श्रीवास्तव। तो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ का निरीक्षण किया है, बूथ का निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान आम जनमानस से संवाद स्थापित किया और वहीं लोगों से निडर होकर COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए मतदान करने की भी अपील की है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, पंचायत चुनाव नजदीक है, एसडीएम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों के बीच पहुंचे, बूथ स्तर पर निरीक्षण किया और लोगों से निडर होकर वोट डालने की अपील की। तो पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहती है, लेकिन गाजियाबाद रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का मेन एंट्री पॉइंट पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें यहां आने जाने वाले यात्रियों का कोविड का रैपिड टेस्ट होना था, लेकिन एक दो दिन चलने के बाद यहां पर अब किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। रिपोर्ट है, कुछ ही देर पहले हम लोग स्टेशन पर आए थे और बाहर एंट्री पर हमने आपको एक रियलिटी चेक दिखाया था, जिसमें कि ये था कि कोई भी व्यक्ति जब आता है तो सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, सुरक्षा की मशीन खराब है, सैनिटाइजर जो टैंक है उसमें सैनिटाइजर नहीं है,
कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है। हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं कि लॉकडाउन तक लग गया है और कई जगह पर नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। इस समय हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पुल पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना किसी जांच के, बिना किसी सैनिटाइज हुए यहाँ पर आराम से बेरोक टोक आ सकते हैं। और मेरे बराबर में ये जो आप टेबल देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर रैपिड टेस्ट की व्यवस्था की गई थी और ये व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर कोई भी पैसेंजर जब टेस्ट होगा उसके बाद ही वहाँ पर जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टेबल है, कुर्सियाँ हैं, उन पर ताला लगा हुआ है और सामने जो बोर्ड है जो कि कोविड हेल्प डेस्क के नाम से बोर्ड है वो पूरी तरीके से फट चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेलवे जो विभाग है सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर के किस तरह गंभीर है और किस तरीके से इस समय जबकि कोरोना को लेकर हालात गंभीर हैं उस समय भी कितनी लापरवाही स्टेशन पर है, ये आप खुद देख चुके हैं। याद रहा रहते हैं गाजियाबाद रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही। और ऐसे में देखिए यहाँ पर कोविड टेस्ट होना था, वो टेस्ट भी नहीं हो रहा है। कुर्सी और चेयर पूरी तरीके से खाली पड़ी है, टेबल और कुर्सी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कर्मी नहीं मौजूद हैं। तो बरेली से खबर मिल रही है, शहर में आज रात से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की पूरी तैयारी की है। कोरोना पर लगाम के लिए जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला। डीएम नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू की जानकारी दी है। सभी आवश्यक सेवाओं के आवागमन की छूट रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं पर भी छूट रहेगी। तो नाइट कर्फ्यू अब यहां पर भी लगेगा। आज से प्रशासन ने तैयारी कर ली है, आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दे दिया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी तमाम चीजों पर भी छूट दी जाएगी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि उस समय कोई भी आम जनमानस नहीं निकल सकता। कि 9 बजे से 6 बजे तक, रात्रि से 9 बजे से 6 बजे तक कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। और एसेंशियल कमोडिटीज जो सर्विसेज हैं और परिवहन, माल परिवहन है, सबको अलाउ किया गया है। और ये कोरोना के बढ़ते केसेस को देख के किया गया है, इससे हम लोग, और मास्क लगाने पे जोर दिया जा रहा है लोगों को और मोटिवेट किया जा रहा है, इससे हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। जो बाहर से लोग आने वाले हैं, जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सभी लोग जानते हैं। पूर्व में भी ऐसी व्यवस्था थी, उसमें नियंत्रित किया गया है। तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से है, कोई बस स्टेशन जा रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग प्रथम दृष्टया 20 तारीख तक हम लोगों ने लगाया है, उसके बाद पुनर्विचार करेंगे, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उधर उन्नाव में CDO सरनीत कौर की तानाशाही सामने आई है। कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल छीने गए हैं। डबल ड्यूटी लगाने के मामले पर बाइट लेने गए थे मीडिया कर्मी। CDO ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। CDO ने चुनाव में दर्जनों कर्मचारियों की डबल ड्यूटी लगाई है। एक ही दिन में दो जगह कैसे ड्यूटी करेगा कर्मचारी। तो एक ही दिन में दो जगह ड्यूटी लगाई है, कर्मचारी परेशान हैं। इस सवाल को लेकर जब मीडिया कर्मी मुलाकात करने गए CDO से, तो उन्होंने कैमरा और मोबाइल छीन लिया। उन्नाव में CDO की तानाशाही सामने आई है। मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल छीन लिए। आज किस वजह से आया CDO कार्यालय? आज हमारी यहाँ डबल ड्यूटी लग गई है। एक पहले से ही निर्वाचन में जो है दूसरे ब्लॉक में लगाई जा चुकी है और उसके बाद दूसरी ड्यूटी आ गई जो कि RO और ARO के साथ सहयोग में लगाई जा चुकी है। तो कैसे एक ही दिन में दो ड्यूटी करेंगे? यही तो समझ आ रहा है विभाग में क्या हो रहा है, एक साथ दो ड्यूटी एक ही दिन में कैसे की जा सकती है।
भाई हाथ पैर धोई है चार है जो है कैसे करा जाएगा ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या व्यवस्था की जा रही है कि एक साथ दो दो ड्यूटियाँ लगाई दी जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी मियादन कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं। आज किस वजह से आए सी डी कार्यालय? आज हमारी यहाँ डबल ड्यूटी लग गई है, एक पहले से ही निर्वाचन में जो है दूसरे ब्लॉक में लगाई जा चुकी है और उसके बाद दूसरी ड्यूटी आ गई जो कि आरओ और एआरओ के साथ सहयोग में लगाई जा चुकी है। तो कैसे एक ही दिन में दो ड्यूटी करेंगे? कैसे यही तो समझ आ रहा है विभाग में क्या हो रहा है कि एक साथ दो ड्यूटी एक ही दिन में कैसे की जा सकती है। भाई हाथ पैर धोई है चार है जो है कैसे करा जाएगा ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या व्यवस्था की जा रही है कि दो दो ड्यूटियाँ लगाई। इसके पहले हमारी ड्यूटी नवाबगंज लगाई गई थी और दूसरी ड्यूटी कल हमको फिर मिली है ब्लॉक संसाधन केंद्र मियागंज, वहाँ दूसरी ड्यूटी कल मिल गई। तो क्या हमारे चार हाथ आठ हाथ पर है जो हम डबल जगह ड्यूटी कर पाएंगे? क्या एक ही दिन में? जी एक ही दिन में क्या डबल ड्यूटी कर पाएंगे? कहाँ कहाँ लगाई गई है? इसके पहले नवाबगंज लगाई गई थी और इसके बाद जो कल लेटर मिला है उसमें हमारी मियागंज में ड्यूटी लगाई गई है। उसी दिन जो है नवाबगंज भी रहेंगे उसी दिन मियागंज भी। जी जी कैसी व्यवस्था चल रही है प्रशासन? समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है जिले पर डबल ड्यूटी एक दिन में लोग कैसे कर पाएंगे? तो कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल छीन लिया सीडीओ ने और मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। दरअसल चुनाव में कर्मचारियों की डबल ड्यूटी लगाई है, डबल ड्यूटी को लेकर इस सवाल के साथ जब मीडिया कर्मी पहुंचे सीडीओ के पास तो उन्होंने शायद से बदसलूकी की और कैमरे और मोबाइल उनसे छीन लिए। ये तस्वीर आपके सामने है, यही मैम है जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की है। तो प्रतापगढ़ से खबर मिल रही, बदमाशों ने की युवक की निर्मम हत्या। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। युवक की हत्या कर बदमाश मौके से फरार हुए। पट्टी थाना क्षेत्र के पास की यह घटना है। पट्टी थाना क्षेत्र के पास उमरी खुर्द का मामला। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची। हत्या से कई गांव के ग्रामीणों में भारी रोष दिख रहा है। चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो बापूपुर गांव का रहने वाला मृतक निर्मल पांडे है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रतापगढ़ का ये मामला है जहां पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई जिसमें गांव वालों में रोष देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव की रंजिश के चलते इस युवक की हत्या की गई। हत्या करने के बाद सड़क के किनारे युवक का शव फेंक दिया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।